कि जो कुछ है उसका एंड ऑफ द डे शुक्र अदा करो। मुझे हमेशा कुछ नया करने में खुशी होती है। और पापा ने कहा आओ एक्टर आओ गब्बर के जी। आप जिंदगी में कुछ कर जाओ वरना माँ बाप आपसे और कुछ नहीं चाहते। तो ट्रोल मैं भी होती हूँ एंड आई थिंक ट्रोल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहेंगे। और सिनेमा जो मेरी जिंदगी की पहली मोहब्बत। 2003 में एक शो आया था लिपस्टिक और गुलफाम जी ने तब से अपने करियर की शुरुआत की और वो चलता रहा और चलता ही रहा और आज वो ध्रुव तारा में हैं और सबको काफ़ी एंटरटेन कर रही हैं। वेल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग चेतना, इट्स अ प्लेजर। कैसा चल रहा है पहले ये बताइए, हाउ इज लाइफ? लाइफ इज ब्यूटिफुल, हैप्पी एंड एज गुड एज इट कैन बी। सो मेरा बहुत सिंपल फंडा है कि जो कुछ है उसका एंड ऑफ द डे शुक्र अदा करो और जो कुछ नहीं हो रहा है उसके लिए सब्र करो क्योंकि हर चीज़ जो है यूनिवर्स कीप्स ऑन मूविंग, सो एवरीथिंग कम्स बैक टू यू। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा। तो इसलिए मैं कभी दुखी, अपसेट, स्ट्रेस्ड रहती नहीं हूँ। थोड़ी देर के लिए होता है, इंसान हूँ, लेकिन देन आई एम ओके। वो तो चक्र है, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, बस उसमें अपने आप को सेटल करके और कंट्रोल करके रखना सबसे बड़ी बात होती है। बिल्कुल। चलिए, हमने शुरुआत ही बहुत अच्छे कोट से किया है। कैसा चल रहा है, हाउ इज ध्रुव तारा? ध्रुव तारा इज डूइंग वेरी वेल, इट्स अ ब्यूटीफुल शो, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि कोई आप जैसे पैरेलल यूनिवर्स की बातें बहुत हो रही हैं। अब हमने तो सुना है, आप किसी भी रिलीजन में ले लीजिए, ये बातें हमेशा हुई कि दुनिया बनती है फिर बिगड़ती है फिर बनती है और एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हो थ्रू पोर्टल्स। और ये अभी प्रूव हो गया है, क्वांटम फिजिक्स ने प्रूव कर दिया है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो और आप जहाँ रह रहे हो वहीं दूसरी दुनिया भी चल रही है। तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर एक बहुत खूबसूरत शो बनाया गया जिसमें दो बहुत खूबसूरत बच्चे हैं और वो शो बहुत अच्छे से चल रहा है और हम सबको खुशी होती है, एक परिवार मिल गया है। आप जानते होंगे कि शशि सुमित के बारे में, दे आर वेरी नाइस पीपल, ये हर कोई बोलता है, ये मैं नहीं बोलती हूँ, ये हर कोई बोलता है। तो माहौल जो है ना शो का बिल्कुल घर वाला होता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप काम कर रहे हो और घर आ रहे हो, आपको ऐसा लगता है आप घर जा रहे हो फिर लौट के घर आ रहे हो, वो माहौल होता है ध्रुव तारा पर। एकदम अलग कॉन्सेप्ट का शो, मतलब किसी ने सोचा नहीं था। हम सुनते थे जैसा कि आपने बोला, अब तो धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं चीज़ों को, और लेकिन बहुत ही अलग और इतना सस्टेन करना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, ऐसे शो के लिए स्पेशली सस्टेन करना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे अगर आपने देखा होगा जब ये लड़की आती है और परिवार में आती है तो परिवार वाले पहले तो उसे नकारते हैं, धिक्कारते हैं, पता नहीं क्या क्या लानत मलामत करते हैं, बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन वो अपनी अच्छाई से दिल जीत लेती है। पर वो एक दूसरी सदी से ही आई है जहाँ जहाँ ख्याल अलग है, जहाँ सोच अलग है, जहाँ रहन सहन अलग है, और वो यहाँ 21वीं सदी में आज के वक्त में आगरा जैसे शहर में आई है और उसके लिए भी बहुत बड़ा कल्चर ही नहीं है, वक्तीय शौक है। एक बिल्कुल ही अलग सदी में आ जाना, और आप सोचिए कि अगर आपको 40वीं सदी में यकायक भेज दिया जाए तो आपको तो समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर आप एक शॉर्ट फिल्म बना सकते हो, लेकिन एक शो बनाना जो साल भर से ऊपर चले, ये इट्स अ कमेंडेबल फीट। ऊपर से उस दौर में जहाँ पे सिर्फ सास बहू सागास चल रहे हैं और सास की प्रताड़ना या बहू का एक अलग रोल, परेशान, आंखों में आंसू, 24/7 बहुत कुछ चीज़ें चल रही है, ऐसे में जब आपने शो को चुना तो थोड़ा रिस्क लगा आपको या फिर खुशी थी कि कुछ नया कर रहे हैं? मुझे हमेशा कुछ नया करने में खुशी होती है। कभी कभी ऐसे होता है कि ऐसे लगता है कि पता नहीं लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि जब मैं एक किसी अलग ही शो का एग्जांपल दे दूं, बालिका वधू, जब बालिका वधू आया था तो वो इट वाज अ डिफरेंट बेंचमार्क शो, एक अलग सा शो जो हर सास बहू शो से बहुत अलग था। कैरेक्टर्स पे प्ले किया हुआ था, कैरेक्टर्स ने उस शो को इतने सालों तक चलाया। तो हमें हमेशा उम्मीद होती है कि हम कुछ नया पेश करेंगे तो लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, और अगर आपको कोई नई डिश दी जाए तो आप टेस्ट तो ज़रूर करेंगी और अगर पसंद आए तो फिर खाएंगी। तो अगर आप चीज़ अच्छे से प्रेजेंट करेंगे और अच्छे से बनाएंगे तो लोगों को पसंद आएंगे, और यही ध्रुव तारा ने भी प्रूव किया है। सो दिस इज़ माई टेक ऑन ध्रुव तारा।
ये बताइए, आप तो राइटिंग सब कुछ, मतलब मुझे नहीं लगता कि मूवी आपने कर ही लिया है, कर ही रही हैं, बिल्कुल वेब चल ही रहा है, सीरियल हो ही रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो यहाँ तक मुझे पता है आपके बारे में कि आपने स्टार्ट जो किया था, प्रोफेसर थी, पढ़ाती थी, लोगों को ज्ञान देती थी, तो ये सब कैसे हो गया, कुछ क्या क्या किया है आपने? मैं कल ही किसी दोस्त से बात कर रही थी कि जब मैं फैशन डिज़ाइनिंग सिखाती थी, मैं हिस्ट्री ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग सिखाती थी, और मेरे घर में मैं सबसे कम पढ़ने में इंटरेस्ट रखने वाली बहनों में से हूँ. अच्छा. सो मेरी बहन डॉक्टर है, मेरा भाई इंजीनियर है, सो एवरी वन इज़ वेरी दे लव स्टडिंग. मुझे नॉलेज में इंटरेस्ट था, एग्ज़ाम से बिल्कुल दूर भागती थी, मुझे एग्ज़ाम्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. क्लास कोई मिस नहीं करती थी, स्कूल को कभी बंक नहीं मारती थी क्योंकि नॉलेज मिलती थी. लेकिन जैसे एग्ज़ाम की बात आती तो आधे घंटे पौने घंटे का पेपर लिख के भाग जाती थी वहाँ से. अच्छा. क्योंकि एग्ज़ाम का स्ट्रेस मुझसे आज तक प्रेशर जो है, जैसे नया शो शुरू होता है तो एक प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर आज तक मुझे बहुत नर्वस कर देता है. सो दैट वॉज द थिंग. बट खैर, क्योंकि आपका दिमाग अगर तेज़ है तो आप कुछ अच्छा करोगे. एंड पापा चाहते थे कि मैं क्रिमिनल लॉयर बनूं. मैंने कहा क्रिमिनल साउंड्स वेरी गुड, लॉयर साउंड्स वेरी गुड, दोनों साथ में बहुत डेंजरस साउंड करते हैं पापा, तो ये नहीं करते हैं. लेट मी डू समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड. मुझे आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था. सो मैंने ग्रेजुएशन के बाद प्रॉपर डिप्लोमा किया, टीचर्स का कोर्स किया, और हिस्ट्री ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग और इलस्ट्रेशन सिखाया. इलस्ट्रेशन इसलिए क्योंकि आर्ट में इंटरेस्ट था तो स्केचिंग वगैरह सिखाती थी, और हिस्ट्री इसलिए क्योंकि मुझे हमेशा से ही एजुकेशन में, नॉलेज में इंटरेस्ट था, और हिस्ट्री में मुझे बहुत इंटरेस्ट है. सो रोहित वर्मा, निकी कामदार, समीर वाली शेट्टी, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं. क्या बात है. अरे, और उन्होंने ज़िंदगी में इतना कुछ किया और इतना अच्छा किया, तो हर बार मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता. और जब मैं ये सब सिखा रही थी तो मैं महज 19-20 साल की थी. सो ये सारे कई मर्तबा मेरे स्टूडेंट्स मुझसे बड़े होते थे, कई मर्तबा यानी 90% ऑफ द टाइम मेरे स्टूडेंट्स उम्र में मुझसे बड़े होते थे, पर एक सेटिस्फैक्शन मिलता था. और जब मैं ये करती थी तो दिन में मैं फैशन डिज़ाइनिंग सिखाती थी, शाम में मैं थिएटर करती थी क्योंकि मुझे शौक था. अच्छा. पता था पठान फैमिली, बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली, करने तो नहीं देंगे. हाँ. लेकिन शौक है तो मम्मी को कॉन्फिडेंस में लिया, मम्मी को कहा कि शौक है पूरा करूंगी, वक्त पे आ जाऊंगी, पापा के आने से पहले घर आ जाऊंगी. और मज़े की बात यह है कि मैं थिएटर कर रही थी और श्रीराम राघवन के असिस्टेंट ऑडियंस में थे, और वो आए और उन्हें मेरी एक्टिंग अच्छी लगी, उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया. एक अलग ही रोल के ऑडिशन के लिए बुलाया था. मुझे कुछ नहीं पता था, ना कैमरा, ना चीटिंग, ना डायलॉग डिलीवरी, क्योंकि थिएटर एंड कैमरा एक्टिंग इज़ लाइक 180 degrees. एक ही चीज़ मुझे, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ डायलॉग डिलीवरी एंड एक्सप्रेशंस. सो जिस के लिए ऑडिशन लिया था उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि नहीं हुआ, आई एम सॉरी. मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे कोई उम्मीद लेके नहीं गए थे कि मुझ मैं घर छोड़ के आई हूँ और मुझे एक्टर बनना है फला ढिकना. सो फिर एक हफ्ते बाद फ़ोन आया कि कोई और कैरेक्टर्स हैं जो छोटे कैरेक्टर्स हैं पर थ्रू आउट द फिल्म है, आप इंटरेस्टेड होंगी क्या? तो मैंने कहा बल्ले बल्ले, कुछ नया सीखने को मिलेगा. हाँ. और एक इतने बड़े डायरेक्टर के अंडर आप काम करोगे, प्लस खालिद मोहम्मद एंड राम गोपाल वर्मा वर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म. सो मैंने कहा वेरी नाइस, चलो करते हैं. हमने किया, एक हसीना थी फिल्म का नाम, और शुरुआत मैंने उससे की. एक हसीना थी करते करते मैं एड्स कर रही थी, बीच में हर एड के ऑडिशन के लिए जाती थी, हो जाता था, कभी कभी तो फ्रेंड्स को अकंपनी करती थी और एक दे देती थी ऑडिशन और हो जाता था. तो 11-12 एड्स की, और वो 12वीं एड जब मैं कर रही थी तो मेरी को आर्टिस्ट ने कहा कि तुम्हें टीवी करना चाहिए क्योंकि यू आर वेरी शार्प विथ लाइन्स. सो मैंने कहा हाँ, पर कुछ मिलेगा तो, क्योंकि मैं जाके कहीं फोटोज़ दूँ और स्ट्रगल करूँ वो मैंने कभी किया ही नहीं लाइफ में. और माइंड यू, जब तक ये चल रहा है मेरे पापा को नहीं पता है कि मैं एक्टर हूँ. सो दिस ही स्टिल थिंग्स दैट आई एम टीचिंग फैशन डिज़ाइनिंग. मैं फैशन डिज़ाइनिंग दिन में सीखती थी और शाम को पापा के आने से पहले मेरा पैकअप होके मैं घर आ जाती थी, क्योंकि रात में वो आते थे 10-10:30 के बीच में, और 9 बजे पैकअप हुआ 9:30 बजे तक. सो सारी फील्डिंग लगती थी, मेरा भाई मुझे एक जगह से पिकअप करता था, बहन एक जगह ये इंतज़ाम करके रखती थी कि कभी लेट हुआ तो पापा को बोले कि मेरे साथ थी. सो ये सारी फील्डिंग्स होती थी. जब मैं काम करती तो सब काम पर लगे हुए थे इस वक्त उस वक्त. और मैंने शो किया, द शो दैट आई डिड वॉज बेटियाँ. एंड पहले तो मैंने लिपस्टिक किया, लिपस्टिक करते करते लिपस्टिक किया इंडिया कॉलिंग, और ये शो करते करते मैंने शो किया बेटियाँ. तो 1-1.5 साल में ही
मैं मुझे अपने आप शोज आ रहे थे, मैं एक भी दिन फ्री नहीं रह पा रही थी. मुझे इनफैक्ट बोलना पड़ता था कि मैं 20 दिन से ज़्यादा काम नहीं करूँगी, क्योंकि अच्छा. जिस दिन पापा की छुट्टी हो उस दिन क्या करूँगी, उस दिन तो बता नहीं सकती. सो आई यूज़ टू टेक डेज ऑफ स्केड्यूल करके, एंड दे वर वेरी काइंड. सो मैंने राजन सर के साथ, राजन शाही के साथ बेटियाँ किया, ही वॉज द डायरेक्टर एंड हिज टीम वॉज सो कोऑपरेटिव. वो हेल्प करते थे कि हाँ तुम्हें जल्दी जाना है, ठीक है जाओ. बेटियाँ करते करते बीच में मेरे पापा के नाई ने उनसे बता दिया. नाई ने पूछने वाली थी पापा को कब पता चला. पापा को जब पता चला नाई ने बता दिया. नाई ने कहा कि आपकी बेटी बहुत अच्छी एक्टिंग करती, तो पापा वॉज लाइक अकबर ऑफ मुगले आजम, खामोश वाला रिएक्शन. कहें कि नहीं नहीं मेरे बच्चे सारे पढ़ते हैं और वो एकेडमिक्स में हैं. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप 9 बजे देखिए, बहुत हिट शो है और बहुत ही गजब की एक्टिंग करती हैं. और पापा ने ऑन किया शो, मम्मी भी कंफ्यूज क्योंकि पापा कभी टीवी देखते नहीं थे. okay. कहा 9 बजे ज़रा जी टीवी लगाया जाए. जी टीवी, मम्मी इज़ कन्फ्यूज, पापा ने जी टीवी लगाया और मैं ही आ गई कजरी मेरी जान. एंड मुझे नहीं पता पापा के दिल में पर उस वक्त क्या बीती, पर मम्मी के दिल पर जो बीती मैं कहती हूँ. बेडरूम में जाके मुझे फ़ोन किया कि अंडरग्राउंड हो जा, बहन के घर रह जा. बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, उनके घर रही, 2-4 दिन गायब रही. और पापा की छुट्टी मंडे को होती थी, तो मैं संडे को आई कि मैं कपड़े लेकर रिफिल कर लूँ, एक हफ्ता और कैसे भी यानी 10-12 दिन निकल जाए, गुस्सा ठंडा हो जाए. संडे को मेरे पापा ने अपनी चेयर ऐसे प्लेस की थी कि उन्हें दरवाज़ा दिख रहा था, मैं मुझे नहीं. और पापा ने कहा आओ एक्टर आओ. गब्बर के डेन में हाजिरी लग गई. और पापा ने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो मैंने कहा पापा अब तो पता ही चल गया, अब क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सर तो कलम नहीं कर देंगे, माँ बाप हैं. तो मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है और मेरा इंटेंशन ये नहीं था, पर हो गया. शौक एक्टिंग का था, स्टेज कर रही थी, फिर ये फला हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ. तो कहा मुझसे जो पापा ने, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी जिंदगी में, कि खुशी मुझे इस बात की है कि जो भी कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, तो लोग तारीफ करते हैं. और जब आपके माँ बाप आप पर फख्र करते हैं तो उससे खुशी की चीज़ कोई नहीं होती. अब भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बिकॉज दे वर प्राउड ऑफ मी एंड दे आर नो मोर. लेकिन मुझे पता है कि जहाँ भी वो हैं, वो मुझे और हमारे हम सबको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं. तो हर बच्चे से मैं यही कहती हूँ कि एक दिन ऐसा कुछ करो कि माँ बाप फख्र से उनका सीना चौड़ा हो जाए, उनका सर ऊंचा हो जाए, उससे बड़ी कमाई, क्योंकि आप ही उनकी कमाई हो. और जो कमाई का इंटरेस्ट मिलता है ना, वो सूद ये है कि आप जिंदगी में कुछ कर जाओ, वरना माँ बाप आपसे और कुछ नहीं चाहते. एक सीरियल की कहानी जैसी है ना. और उसके बाद फिर सिलसिला चलता गया. फिर तो चलता रहा 20 साल में, माशाल्लाह टचवुड ऊपर वाले के करम से घर नहीं बैठी हूँ. अब जब ब्रेक लिया है तो कॉन्शियस ब्रेक लिया है, सोचा है कि नहीं कुछ करूँगी तभी ब्रेक लिया है, वरना 20 साल में ऐसे कभी नहीं हुआ है कि ऐसे सोच रही हूँ कि भाई काम नहीं है, काम मिलना चाहिए, ऐसा कभी नहीं हुआ. आई थिंक थिएटर अगर कोई एक्टर थिएटर बैकग्राउंड से होता है, सो व्हाट यू थिंक, वो थोड़ा एक प्लस पॉइंट होता है एक्टिंग में, थोड़ा इजाफा मिलता है. हाँ. देखिए एक तो आपका हुनर होता है, आपने थिएटर किया या ना किया हो. हाँ. आपका हुनर होता है. थिएटर आपको डिसिप्लिन कर देता है. आपको जैसे आप में हुनर होगा, आपके हाथ में शिफा होगी. कई बार आप देखते होंगे कोई आपका दोस्त है या सहेली है या रिश्तेदार है, अगर आप कितने भी परेशान हो आपके कंधे पे हाथ रख दे तो आपको सुकून मिलता है. आपके सर में दर्द हो तो दर्द कम हो जाता है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन जाते. सो यू नीड डिसिप्लिन एंड थिएटर गिव्स यू दैट डिसिप्लिन. सो हर चीज़ का डिसिप्लिन, वक्त की पाबंदी का डिसिप्लिन, आपके डायलॉग्स का डिसिप्लिन, आपको ये डिसिप्लिन कि ये शो आपका नहीं है, ये शो है और सबका है. तो मैं उसकी लाइन खाऊं, उसको ये करूं, वहां डाइवर्ट हो जाऊं, वहां किसी ने आवाज़ कर दी तो मैं मुझे कुछ फ़र्क पड़े. थिएटर में लोग हूट करते हैं, अंडे फेंकते हैं, चप्पलें फेंकते हैं, लेकिन आप द शो मस्ट गो ऑन. तो वो डिसिप्लिन जो आता है ना वो थिएटर से, वो बहुत पुख्ता होता है. दिस इज माई थिंकिंग, ये मेरी सोच है. और थिएटर ने मुझे तो डेफिनेटली हेल्प किया है. और मैं जितने थिएटर आर्टिस्ट से मिली हूँ जो टीवी में आए हैं, थोड़ी डिफिकल्टी हम थिएटर आर्टिस्ट को भी होती है इनिशियली, क्योंकि हमें वो चीट करना होता है, हमें वो लुक्स डिसाइड करने होते हैं, लेकिन आसान होता है. अब इमोट करना बहुत आसान हो जाता है, लाइनें याद करना बहुत आसान हो जाता है. बाकी आपका हुनर तो कहीं भी ले जा सकता है आपको. क्योंकि मेरे सामने फैशन गुरु बैठी हैं, जो उन्होंने बताया, जो नाम लिया रोहित वर्मा वगैरह, जो भी इनको सिखाया हुआ है. तो ऑफ कोर्स मैं आज के फैशन के बारे में जानना चाहूँगी आपसे, वो हाउ डू सी लाइक उर्फी जावेद का फैशन. अगर मैं मतलब अगर फैशन की बात अगर आज के डेट में की जाए ना, और उर्फी का नाम ना लिया जाए तो थोड़ा सा सो फैशन
जो आपने सिखाया होगा और आप देखती आ रही हैं इंडस्ट्री में वो, और एक आज वाला फैशन जो चल रहा है कि आपने फ्लावर्स लगा लिए, कांच पहन लिया, सीडी डीवीडीज लगा ली कपड़े अपने बॉडी पे, ये भी एक फैशन माना जा रहा है। सो गुरु जी प्लीज बताइए। तो हम जब फैशन डिजाइनिंग सीख रहे थे तब जियानी वर्साची बहुत बड़े डिजाइनर थे, उन्होंने एक ड्रेस बनाया था सिर्फ सेफ्टी पिन से, तो उस वक्त लोगों ने भी हुहा किया था कि अरे ये क्या ड्रेस बना दिया, और ये करोड़ों का ड्रेस बना दिया, और बड़े हॉलीवुड के स्टार्स और बड़े मॉडल्स इसको। तो आई बिलीव फैशन इज टू ईच इज ओन। किसी को शलवार कमीज पहन के अच्छा लगता है, किसी को टू पीस में अच्छा लगता है, कोई बिकनी बहुत अच्छे से कैरी करता है। मुझे लगता है आप जो भी करो कॉन्फिडेंस से करो। सो अगर उर्फी की बात की जाए, शी इज कम्फर्टेबल इन वॉट शी डज, और वो चीज़ उन्हें अटेंशन भी देती है। बिल्कुल, अगर वो कल शलवार कमीज में आ जाए तो आई गारंटी यू 50% लोग भी उनकी फोटोज़ नहीं खींचेंगे, ना ही उनको कहेंगे पलटो हम फोटोज़ खींचना चाहते हैं। तो जो भी आपने किया, अगर आपको उससे फेम मिलता है, आपको उससे खुशी मिलती है, आपको उससे तरक्की मिलती है, आपको वो स्टार या सेलिब्रिटी बना देता है, तो इट्स ओके। अदरवाइज व्हेन इट कम्स टू फैशन, मेरे फेवरेट जो लोग जिनके ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत पसंद है वो दीपिका हमारे, मैं बॉलीवुड की बात कर रही हूँ, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस, करीना कपूर आई लाइक हर, आई लाइक व्हाट आलिया बट वेयर्स, शी वेयर्स सिंपलर थिंग्स ब्यूटीफुल, कियारा आडवाणी। सो ये, और अगर ग्रेसफुल में मैं बात करूँ तो मुझे शबाना जी का ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद था एज अ चाइल्ड टू, और अब भी जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है अगर ग्रेस है तो वो ग्रेस चल के आ रहा है, और अगर ड्रेसी ड्रेस सेंस में तो रेखा जी को कोई नहीं बीट सकता। सो फैशन इज आई थिंक वेरी वेवरिंग एंड फैशन इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। समटाइम्स फैशन माइट बी अ ब्यूटीफुल कांजीवरम साड़ी, और कभी कभी फैशन माइट बी अ टू पीस बिकनी विद जस्ट टू ट्राइंगल पीसेस ऑफ क्लोथ्स। सो फैशन इज वास्ट, आप वो ट्रैजेक्टरी जहाँ ले जाओ, जैसे ले जाओ, आपके डायनेमिक्स जहाँ बढ़ा दो, इट इज वट एवर फैशन इज। या बट कंफर्ट तो है, लेकिन ट्रोल भी बहुत होते हैं सोशल मीडिया पे। होते हैं, लेकिन ट्रोल तो मैं भी होती हूँ, क्योंकि मैंने अगर फोटो डाल दी किसी के साथ तो मैं भी ट्रोल होती हूँ, इनकी शादी क्यों नहीं कराते हैं, तो मुझे लगता है मैं मैरिज ब्यूरो खोल लूँ भाई। तो जब भी मैं किसी मेरे काउंटर पार्ट या मेरे को आर्टिस्ट के साथ फोटो डालती हूँ जो खूबसूरत है, शादी की हम एक शादी की उम्र जो सोचते हैं, जैसी शादी की उम्र 20-25 साल का होने लगता है लड़का या लड़की, तो सोचते हैं भाई तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, सब आपको शादी के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं। लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी में क्या होता है वो तो उसी इंसान को पता है, तो अगर वो शादीशुदा ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं है तो फिर इसलिए ट्रोल मैं होती हूँ, कई मर्तबा होती हूँ कि आपने इसकी शादी इससे क्यों नहीं करवाई, उन दोनों का अफेयर था तो उन लोगों ने शादी क्यों नहीं, आपने कुछ बोला होगा, तो ट्रोल मैं भी होती हूँ। एंड आई थिंक ट्रोल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर लोगों का काम कहना है तो हमारा काम है सुनना, अगर हम उस पर ऐसा कुछ हम गलत कर, और अगर लोग नहीं कहेंगे तो कई मर्तबा आपको आपकी गलती भी नहीं पता चलेगी। तो लोगों को कहने दो, आप सुनो, और अगर आप अपने बर्ताव में या चीज़ों में बेहतरी कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर मूव ऑन, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, या दूसरे कान तक भी क्यों ट्रैवल करवाना है, नहीं से निकाल दो, फेंक दो। सही है। अच्छा, ये सोशल मीडिया के ट्रेंड को आप किस तरह से, ट्रोलिंग तो ठीक है बट यू नो एक कुछ था, मेरे को लगता है कोविड से पहले इतना क्रेज नहीं था जितना कि कोविड के दौरान हुआ, क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम भी वो हो गया था, और घर बैठे बहुत बड़ी एक बहुत अच्छी चीज़ है एक तरह से, जिस लोगों ने बहुत पैसे कमाए और आज भी कमा रहे हैं। सो ये आप किस तरह से देखते हैं, बेसिकली कि करियर ऑप्शन भी बन गया है। सो करियर ऑप्शन बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ अपना करियर ऑप्शन समझना सही नहीं है। जैसे मेरे पापा ने मुझे हमें सिखाया था कि आपका शौक आपका करियर बने ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए आपके घर में रोटी किस चीज़ से आए उसको भी शापन करते रहिए। कल को अगर ऊपर वाला ना करे, लेकिन अगर
एक्टिंग नहीं हुई, छह महीने, साल, दो साल, पांच साल, मुझे पता है कि मैं फिर से प्रोफेसरी कर सकती हूँ. सो यू हैव टू हैव अ प्लान ए. दिस आपका शौक शुड ऑलवेज बी प्लान बी, क्योंकि आपको लगता है, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे एक्टर हो या बहुत अच्छे कॉमिक हो और बहुत अच्छे डांसर हो और बहुत अच्छे सिंगर हो. हो सकता है 90% लोगों को वो नहीं लगता हो. आपके माँ बाप तो अगर आप बंदर जैसे उछलोगे तो भी कहेगा कितना प्यारा बंदर है मेरा बच्चा. और पड़ोसी भी यही कहेंगे और दोस्त भी यही कहेंगे, क्योंकि आप उस वक्त उन्हें एंटरटेन कर रहे हो. लेकिन जब कमाने पे, जब किसी को पैसे देने होते हैं ना, तो आप में वो पहले नुक्स ढूंढेंगे और फिर वो पैसे देंगे और वही पैसे आपका घर चलाएंगे, वही पैसे आपके आपका घर चलाते हैं. तो आपको उस लिए एक हुनर होना बहुत जरूरी है. आप इस पे डिपेंडेंट मत हो. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद सोशल मीडिया if you don't let it be wrong. But पूरा focus वही होना, दिन रात ना सो रहे हैं, ना खा रहे हैं, बस वही कर रहे हैं, तो फिर आप दूसरी चीजें, आप horse with blinks हो जाते हो, घोड़े को बहुत सारे accidents भी, I mean, अभी just बात करते करते मुझे याद आया कि बहुत सारे रील बनाने के चक्कर में बहुत सारी जाने भी गई हैं. बिल्कुल. आप रील बनाते हो, कितने इतने खो जाते हो, टेरेस पे रील बना रहे हो, पीछे 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 जा रहे हो, और ये भी देखा है रनिंग ट्रेन से, रोड पे, बाइक पे एक्सीडेंट हुआ. हमने देखा है कि पिट गए हैं पब्लिक से, क्योंकि आप वीडियो में रहना चाहते हो सकते हैं जो पीछे लोग चल रहे हैं उन्हें आपके वीडियो में नहीं आना है. तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट. सो इसलिए एवरीथिंग इज गुड इन मॉडरेशन. आपको शौक है आप करिए, लेकिन उसको पूरा फोकस मत करिए उस पे कि बाकी सारी चीजें धुंधली हो जाए. सो यू हैव टू, आपका विजन हमेशा एक कबूतर जैसा होना चाहिए, जो पीछे चल रहा है उसका भी ध्यान रहे, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर बैकग्राउंड नहीं होगा तो फोरग्राउंड में कुछ नहीं बचेगा. फोरग्राउंड ओनली फोकसेस व्हेन देयर इज अ ब्यूटीफुल बैकग्राउंड. सो फोकस ऑन मल्टीपल थिंग्स, और ऑब्वियसली फोकस ऑन रिलेशनशिप्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स. लॉकडाउन में हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपने रोज अपने माँ बाप से बात की, अपने रिश्तेदारों से बात की. तो लॉकडाउन का भी मुझे लगता है बोथ साइड्स रहा है. डाउन साइड रहा है लेकिन अपसाइड भी रहा है. तो हर चीज का जैसे डाउन साइड, लोगों ने एक दूसरे के लिए केयर जो करना शुरू किया ना, वो लॉकडाउन ने, अनजानों ने एक दूसरे के लिए जो किया है. मेरे हस्बैंड, ही वाज एडमिटेड फॉर 5 डेज, और पांचवें दिन जब वो आए, उसके बाद जो उनके साथ थे वहां पे, उनको वो कंटिन्यूस फोन करके पूछते रहते थे, यू फीलिंग बेटर, डू यू वॉन्ट समथिंग, दवाई चाहिए, खाना चाहिए, फ्रूट चाहिए. सो यू अनजान लोगों के भी रिश्ते बन गए. बिल्कुल 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 सही बात है. तो ये फैशन वाला जो कीड़ा है आपके अंदर, आई कैन सी कि वो अभी भी है 100%. जैसे आपने बोला कि मेरे पास ऑप्शन है. सो जब सेट पे आप जाते हैं या कुछ ऐसा कास्टिंग होती है, तो आपके मन में कभी इनपुट होता है या फिर आपसे पूछा जाता है कि आप भी, बिकॉज यू हैव ग्रेट नॉलेज अबाउट इट. लकीली और लकीली वेदर हमारे क्रिएटिव्स को पता है या नहीं पता है, अब तक जितने मैंने शोज किए, एक तो मैंने बहुत प्रोड्यूसर्स के नहीं साथ नहीं किए, पहले तो मैंने रोज मूवीज के साथ 5-6 शो किए, फिर क्रिएटिव आई के साथ 4 शोज किए, फिर अब जाके शशि सुमित के साथ 2 शोज हो गए मेरे. सो व्हेन आपकी एक रابطہ बन जाता है, पेनिनसुला के साथ मैंने इतना बड़ा शो किया अलादीन, 3.5 साल चला, ढाई तीन साल चला, आपका ऐसा रابطہ हो जाता है कि आप कुछ कहते हैं तो ऐसे नहीं है कि अनसुनी होती है बात जी. एक तो आपका कंफर्ट लेवल देखा जाता है, क्योंकि आप 12-13 घंटे उन कपड़ों में रहेंगे, उस लिबास में, उस कॉस्ट्यूम में, उस ज्वेलरी में रहोगे, उस मेकअप में रहोगे, तो वैसे बहुत कंसिडरेट होते हैं. हाँ, एक आप, मेरा ये एडवांटेज है कि मुझे फॉर्मल ट्रेनिंग है. तो अगर कभी ऐसा होता है कि ये नहीं हो सकता, तो मैं वहाँ खड़े रह के, मैं साथ में मास्टर के खड़े रह के, कई बार आप मुझे ड्रेसिंग रूम में ही देखेंगी, नहीं नहीं हो सकता मास्टर जी, लाइए मैं बताती हूँ, ये गड़बड़ हो गई, इसको ठीक कर देते हैं. सो ऑलवेज जो करेक्शंस होते हैं वो 5 मिनट में हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ 15 मिनट्स. तो कई बार ऐसे होता है कि यूनिट का भी टाइम बचता है, कि ये वर्कशॉप पे जाएगा, करेक्ट होके आएगा, वो कल भेजना, अब ये कर दो, झोल जुगाड़ करके हम शूट कर लेते हैं. और My formal training helps in that. That's so nice. So, हमने फैशन की बात करी, टीवी की बात करी, लेकिन मुझे जानना है वेब शोज के बारे में. मैंने जहाँ तक मुझे पता है कि बहुत कुछ राइटिंग चल रही है, एक्टिंग चल रही है, तो प्लीज़ टेल मी कितने शोज हैं और कितना लिख रही हैं आप, एक्ट कर रही हैं, क्या क्या चल रहा है. सो लिखने में मैं एक फिल्म लिख रही हूँ, 2-3 वेब शोज लिख रही हूँ, एक थ्रिलर है, 2 कॉमेडी शोज हैं,
एक का तो फुल सीजन लिख दिया गया है, अब देखें आगे, क्योंकि लिखने के बाद बहुत सारा प्रोसेस होता है, यू नो यू हैव प्रोडक्शन थिंग, प्री प्रोडक्शन थिंग, रेकी, ये वो, सो ये सब हो रहा है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट राइटिंग, आई एम बिजी विथ राइटिंग. और एक्टिंग में मेरा एक नया शो अब आ रहा है, बैक गर्ल्स, बहुत बड़ा शो है, सुनीता रापुर वाला डायरेक्ट कर रही हैं, चॉकबोर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा शो है. तो वेब में फिलहाल मैं बिजी हूँ और अच्छा काम कर रही हूँ. सो इस चीज़ का बहुत सेटिस्फैक्शन है कि अगर आपने मीडिया चेंज किया, पोर्टल चेंज किया, टीवी से आप वेब में आए हो, तो लाइक मैंने आपसे पहले भी कहा चेतना, आई थिंक आई हैव बीन लकी कि अगर मैं शिफ्ट करती हूँ गियर्स भी तो गाड़ी स्मूथली चल रही होती है. सो गियर शिफ्ट करने पर भी या लेन शिफ्ट करने पर भी मुझे बहुत दिक्कतें नहीं आती, कंफर्ट आसानी से हो जाता है. सो वो ऊपर वाले की मेहरबानी है, सबकी दुआएं हैं, माँ बाप का प्यार जो जहाँ भी हैं उनका, उनकी दुआएं हैं, और पॉजिटिविटी है जो मुझे आगे ले जा रही है. तो आई एम जस्ट होपिंग दैट ये बरकरार रहे. That's so nice, बिल्कुल रहेगा. अब मुझे जो बहुत एक खूबसूरत सी चीज़ दिखी, गोल्डन जुबली पाकीजा, ये इसका कनेक्शन मुझे बताइए, काफ़ी खास है. तो पाकीजा गोल्डन जुबली ट्रॉफी है ये. पाकीजा की सारा पैराफेरनेलिया मेरे पास है, उनकी न्यूज़पेपर कटिंग से लेके, उनके पोस्टर्स से लेके, पाकीजा के बारे में डिटेलिंग से लेके. सो वो इसलिए हैं क्योंकि मेरी मासी दादी, मेरी खाला की सास जो है वो एक्टर थी, मीना अल नासिर, जो पाकीजा में वो मीना कुमारी की मम्मी का रोल जिन्होंने किया. और जब वो उनका इंतकाल हुआ, व्हेन शी पास्ड अवे, तो उनके बेटे मेरे अंकल अल्तमश अंकल, जो बहुत ही मेरे फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट ह्यूमन बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड, मुझसे बहुत प्यार करते थे बेटी की तरह. और उन्होंने कहा कि, मम्मी ने कहा था कि ये सारी चीज़ें उसके पास जानी चाहिए जो इसका ख्याल रखेगा. और उन्होंने मुझे ये पाकीज़ा की गोल्डन जुबली ट्रॉफी दी है, मुझे ताजमहल की सिल्वर जुबली ट्रॉफी दी है, मुझे रक्षाबंधन मूवी की सिल्वर जुबली ट्रॉफी दी है, दो रास्ते की सिल्वर जुबली ट्रॉफी दी है. और ये मेरा मेरे घर का सेंटर पीस रहा है. तो ये ट्रॉफी पूरी ब्रास की बनी हुई है और पीतल की है, बहुत भारी है. आप देख रहे हैं ये काली पड़ गई है, मैं इसे जितना हो सके उतना साफ करती हूँ, बट मुझे डर लगता है कि ये मैं कहीं दूँ बफिंग के लिए कि कोई उसे कुछ बिगाड़ ना दे. ये बहुत भारी है, ये 8-8.5 किलो की ट्रॉफी है. ये 8-8.5 किलो और पूरी पुख्ता है, फुल, इट इज फुल ब्रास एंड इट इज वेरी हैवी. सो ये मैंने इसलिए रखा है, एक तो ये मेरे घर का सेंटर पीस है, दूसरा ये मेरे दरवाजे के सामने है. तो जब मैं एंटर करती हूँ तो सबसे पहली नजर मेरी इस पे पड़ती है. तो आई एम कमिंग बैक टू सिनेमा, और सिनेमा जो मेरी जिंदगी का पहली मोहब्बत, माय फर्स्ट लव ऑफ माय लाइफ इज सिनेमा. सो मैं सिनेमा देखती हूँ, सिनेमा जीती हूँ, सिनेमा आज भी सारी फिल्में देखती हूँ. एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ हाउ पाकीजा केम टू माय लाइफ. पाकीजा से बड़ा कोई सिनेमा नहीं है मुझे ऐसा लगता है, मैंने तो इतनी बार देखी है कि मेरे को काउंट भी याद नहीं है. हिंदुस्तानी सिनेमा में अगर सिनेमा पाकीजा है, मुगले आजम है जी, तो इस तरह के मूवीज आज भी आप देखते रहिए, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट में हो या कलर में हो, लेकिन आप देखते ही रह जाते हैं. और खूबसूरती हर लम्हे की. जी जी बिल्कुल. लेकिन आपको क्यों चुना था जो इसका ख्याल रख सके? मैं तो मानती हूँ कि ठीक है, लेकिन घर में और भी लोग होंगे जो इनका ख्याल, बहुत लोग हैं जी, इसके बावजूद सिर्फ लोग आप हैं. शायद बुजुर्गों की एक चीज होती है, वो आपको बचपन से पढ़ते हैं और वो जानते हैं कि किसकी जान किस चीज में कितनी बसी हुई है और कौन किस चीज़ का कितना ख्याल रखेगा. मेरे पापा भी जब किसी चीज़ का ख्याल रखना होता या चाहते कि ये चीज़ खोए ना, छोटी सी चीज़ हो, भले ही घड़ी का कांटा हो, तो कहते गुलफाम ये रखो. अच्छा. और ये मैं जब मांगूंगा तब दे देना. और वो 2 साल बाद भी मांगते तो मैं उनको ला कर दे देती थी. तो चीज़ों का ख्याल रखने में मैं थोड़ी, उन्होंने आपका फ्यूचर देखा होगा उसी टाइम पे कि हिंदी सिनेमा में आप ही उनका नाम रोशन करने वाली हैं. और वो भयात थी जब मैंने एक्टिंग शुरू की, तब तक वीना जी थी. अच्छा. और वो बहुत खुश हुई कि कोई ये इस लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है, तो बहुत खुश होती थी, मुझसे पूछती थी आजकल क्या चल रहा है, फिर उस वक्त क्या चलता था वो बताती थी. उस वक्त वो उन्हें कैसे कॉल टाइम आते थे, हमें कैसे कॉल टाइम आते हैं, हम कैसे वक्त
पे पहुंचते हैं या वक्त के 10 मिनट पहले पहुंचते हैं, वो कैसे वक्त से पौना घंटा एक घंटा पहले पहुंचते थे। उनको कई बार ये पता भी नहीं होता था कि शूट कैंसिल हो गई, वो सेट पे जाते थे लेकिन नो रिग्रेट्स वापस आ जाते थे। सो वो जो और गाड़ी पार्क करने के लिए भी कितने मॉरल्स थे उनके कि हम जाएं तो दूसरों को दिक्कत ना हो इसलिए अपनी दी हुई जगह पे ही गाड़ी पार्क की जाए। आज तो हम लड़ने लगते हैं कि भाई यहाँ किसने पार्क की, यहाँ ये हटाओ वो हटाओ, मैं क्यों इतनी चलूँ, मैं क्यों उतना चलूँगा। सो ये सो द डिसिप्लिन ऑफ दैट टाइम सिनेमा एंड वॉट इज़ हैपनिंग टूडे। सो वो हमारे कंपेरेटिव, जैसे आप बैठी हैं मुझे याद है एक बार हम ऐसे ही बैठे थे, वो मेरी राइट साइड पर बैठी थी और मैं उनसे कह रही थी कि ऐसे हो गया आंटी ऐसे हो गया, तो मुझसे कहती थी हमारे वक्त वैसे होता था। तो तुम लोग तो बहुत लकी, हमारे वक्त तो एसी वैसी नहीं थे सेट पे, हम गर्मियों में काम करते थे और लहंगे होते थे 25-30 किलो के, तो ले लेके हम काम कर रहे हैं उसी में भाग रहे हैं और उसी में हीरो से रोमांस भी करना है और भले ही उस हीरो से आपको दुश्मनी हो नफरत हो उस वजन में आपको वो दिखाना भी है कि आपको मोहब्बत है, वो तो आज भी होता है बिकॉज व्हेन यू आर एक्टिंग यू फॉरगेट एवरीथिंग एल्स अराउंड यू। सो वो कहती थी कि यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आप लोगों को एसी है, आपकी गाड़ियों में एसी है, आप सेट पे जाओ आपके मेकअप रूम में एसी है, तो वो सारी चीज़ें हम कंपेयर करते थे। और पहले तो ये बाल सीधे रखने के लिए मेरे को याद है, मेरे को गाना नहीं याद है जॉन का कोई था, मतलब वो बताए थे कि पानी लगा के ऐसे सीधा रखते थे और फिर वो जब ख़त्म हो जाता था तो शॉर्टकट करके वापस पानी लगाते थे। तो पानी और जब वीना आंटी के वक्त ये सब टोंग मशीन्स तो वो सारी थी नहीं, तो ऐसे आयरन रॉड होता था उसे गैस पर गर्म किया जाता था और सर में पानी के साथ थोड़ा सा थोड़ी सी चाशनी होती थी, सो दैट यूज्ड टू बी अ मूज चीनी की चाशनी, तो थोड़ी सी हल्की सी चीनी डाल के वो पानी को, सो उससे आपके बाल थोड़े स्टिफ हो जाते हैं, तो गरम गरम टोंग पे आपके बाल लपेटे जाते थे और हर हीरोइन के जो रिंगलेट्स निकले होते थे वो इसलिए निकले होते थे, उससे बाल भी बहुत खराब होते थे और चाशनी आप लगा रहे हो फिर धो रहे हो फिर लगा रहे हो धो रहे हो, पर वो अपनी चीज़ों का इतना ख्याल रखती, उनकी खूबसूरती और उनकी उनकी स्किन, शायद जब वो गई दुनिया से तो काफ़ी पकी हुई उम्र में गई लेकिन उनकी स्किन मुझसे बेहतर थी एंड आई वॉज इन माई 20s, सो कैन यू इमेजिन कि कितने खूबसूरत और कितना अच्छी खुराक रही होगी उनकी, खुराक नेचर, इतना स्ट्रेस नहीं था, स्ट्रेस था लेकिन जो बिल्कुल उस समय इतनी ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं थी इस तरह से, धूप और पोल्यूशन और मिट्टी और ये सारी चीजें भी नहीं थी। चलिए बहुत अच्छी स्टोरी आपने बताई हमें, थैंक यू, और ये चाशनी वाली तो बहुत सही। चलिए थैंक यू सो मच, ये बहुत हमने शुरुआत भी बहुत अच्छे नोट के साथ की थी और अंत भी बहुत ही अच्छे नोट के साथ कर रहे हैं, सो थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।